23 अगस्त 2023 संध्या 5:20 बेलकु 140 कोटी भारतीयंकर हृत्स्पंदन बढ़ी जाइथिला। एही समय इसरो पक्षरु आरंभ करा जाइथिला चंद्रायन 3 लैंडिंग रो लाइव स्ट्रीमिंग। समस्ते अपलक नयन रे एही दृश्य को बड़ आशार सह चाही रही थांती। 30 किलोमीटर उच्चतारु तलकु खसी विक्रम लैंडर को अवतरण करिपार थिला चंद्र पृष्ठरे। 4टी पर्याय दे गति करबा परे सफलतार सह संपन्न होइथिला एही लैंडिंग प्रक्रिया। विक्रम ओल्हाइबा मात्रे चंद्र पृष्ठरु उड़ीथिला धूली। एहा परे लैंडर रु बाहर को आसीथिला प्रज्ञान रोवर आउ विश्व महाकाश गवेषणा इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे जोड़ी होई जाइथिला भारतर ना। चंद्र पृष्ठरे महाकाश जान अवतरण कराइपारे चतुर्थ एवं चंद्रर दक्षिण मेरुरे अवतरण करिथिबा प्रथम देश भावे नुआ कीर्तिमान स्थापन करिथिला भारत। सॉफ्ट लैंडिंग परे प्रज्ञान रोवर सफलतार सह चंद्र पृष्ठरे करिथिला विचरण। एहि उपलब्धि को मान्यता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे बा भारतीय महाकाश दिवस भावे प्रति वर्ष पालन करबा को घोषणा करिथिले। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। आज देश पालन करुछि प्रथम जातीय महाकाश दिवस। तेबे भारतर एहि सफलता जेपरी युववर्गक प्रेरणादायी साजिब से एक मास व्यापी विभिन्न कार्यक्रम आयोजन लागि योजना करिछंती मोदी सरकार। प्रथम जातीय महाकाश दिवस थीम रखा जाइछि चंद्रमा को छुईबा सह जीवन को छुईबा। भारतर महाकाश गाथा समाज प्रजुक्ति विद्या उपरे महाकाश गवेषणार गुरुत्वपूर्ण प्रभाव को एहा दर्शाउछि। जातीय महाकाश दिवस को गर्वर सह पालन करबा लागि समस्त आगे आसीबा को आह्वान देछंती इसरो मुख्य एस सोमनाथन। सो द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे से कमेमोरेटिंग द success of soft landing of Chandrayaan 3 on the southern side of the moon, the India, the first nation to ever to do so. So while running up to that event, I have a program here in this museum, Pradhanamantri Sangrahalaya, came just to look at what they did to commemorate on the success of the moon mission. Happy to see the gallery of showcasing the launch of the rocket, and also to be part of the show that we had here organized by Gurukul Academy, primarily bringing the students to inspire them to show that being a participatory function of making moon colonies and such exhibits by the students. स्वाधीनता दिवस आनंद सह जोड़ी हो रही छि भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो। कारण 15 अगस्त ही इसरो स्थापना करा जाइथिला। 15 अगस्त 1969 रे देशर एही गौरवशाली संस्थार शुभारंभ होइथिला। इसरो भारत सरकार अधीन रे कार्यरत एक स्पेस एजेंसी जहार मुख्यालय कर्णाटक राज्यर बेंगालुरु सहर रे अवस्थित। एहार उद्देश्य देशर विकास पाई महाकाश गवेषणा और ग्रह नक्षत्रंकर अनुसंधान को आगक बढ़ाइबा। 1983 रे इसरो पक्षरु स्थापित भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली
ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ସଞ୍ଚାର ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଅଧୀନରେ 9 ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଇନ୍ସାଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୂର ସଞ୍ଚାର, ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ, ଉପଗ୍ରହ ସମାଚାର ସଂଗ୍ରହ, ପାଣିପାଗର ଆକଳନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା, ଗବେଷଣା ଓ ଉଦ୍ଧାର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ମିଶନରେ ଲାଗିଛି ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋର ଏହି ସଫଳତା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ମାନ ବଢ଼ାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।